दरिया किनारे अपने। इरादा क्या है मेरा? बताती हूँ, कल से अंकल के बारे में। ये तो दिलों की कहानी। कैसी लगी आपको? मैडम लतिका से कहीं अच्छी। बातों बातों में प्यार हो जाएगा। मन को ढक ले गोरी, तन का ढकना है बेकार। फूल महके जब तक उसका खिलना है बेकार। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री टीना मुनीम के बारे में और सुनते हैं उन पर फिल्माए गए 12 सुपरहिट गाने। पहला गाना सुनते हैं साल 1980 की फिल्म कर्ज से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता ऋषि कपूर हैं। तू कितने बरस का? तू कितने बरस की? मैं 16 बरस की। ये गाना लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गाना गाते समय दोनों की उम्र 50-50 वर्ष थी। दूसरा गाना सुनते हैं साल 1983 की फिल्म सौतन से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता राजेश खन्ना है। शायद मेरी शादी का आया है। इसे लिखा था सावन कुमार टाक ने, संगीतबद्ध किया था उषा खन्ना ने, गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तीसरा गाना भी फिल्म सौतन से ही सुनते हैं। जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपनी हो जाए। इसे लिखा था सावन कुमार टाक ने, संगीतबद्ध किया था उषा खन्ना ने और गाया था आशा भोसले ने। जब दिल टूटे तो रोए क्यों, हम गाए क्यों नहीं, हम नाचे क्यों। चौथा गाना सुनते हैं साल 1984 की फिल्म आसमान से। फिल्म इनके साथ अभिनेता राजीव कपूर हैं। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने, गाया था आशा भोसले ने। पांचवा गाना जिस फिल्म से लिया है उसका नाम है बातों बातों में। ये फिल्म साल 1979 में आई थी। इनके साथ अभिनेता अमोल पालेकर हैं। इसे लिखा था अमित खन्ना ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने, गाया था अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। कभी खुशी कभी गम, दररम पम पम, हंस और हंसाया करो। छठा गाना सुनते हैं साल 1981 की फिल्म खुदा कसम से। फिल्म इनके साथ अभिनेता विनोद खन्ना है। इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था आशा भोसले ने। सातवां गाना सुनते हैं साल 1978 की फिल्म देश परदेश से। फिल्म इनके साथ अभिनेता देवानंद है। इसे लिखा था अमित खन्ना ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने और गाया था लता मंगेशकर ने। ऐसे तो हालात नहीं। आठवां गाना सुनते हैं साल 1985 की फिल्म इंसाफ मैं करूंगा से। फिल्म इनके साथ अभिनेता राजेश खन्ना है। मीठी लगी प्यारी लगी, प्यारी लगी मीठी लगी, बड़ी मीठी मीठी लगी, बड़ी प्यारी प्यारी लगी। इसे लिखा था अनजान ने, संगीतबद्ध किया था बप्पील आईडी ने, गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। अच्छी दिन रात ये नौवां गाना सुनते हैं साल 1980 की फिल्म कर्ज से। दिल में जगाया आपने,
कर दे। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था मोहम्मद रफी ने। आशिक बनाया आपने दर्द दिल। दसवां गाना सुनते हैं साल 1983 की फिल्म बड़े दिल वाला से। फिल्म में इनके साथ अभिनेता ऋषि कपूर हैं। तुझ में क्या है दीवाने जाने मन तू क्या जाने आजा मिलके। इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था आरडी वर्मन ने, गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से हे सब सुन लिया। ग्यारहवां गाना सुनते हैं साल 1979 की फिल्म बातों बातों में से। न बोली तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। इसे लिखा था योगेश गौड़ ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने, गाया था अमित कुमार और आशा भोसले ने। मगर न जाने ऐसा क्यों लगा धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई में एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नंद कुमार मुनीम और माता का नाम मीनाक्षी मुनीम था। एक भाई और 9 बहनों में टीना सबसे छोटी हैं। माता पिता ने इनका नाम निरुति मुनीम रखा था। इनकी बड़ी बहन भावना मॉडल थी और ये भी मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। मॉडलिंग के साथ इनकी रुचि फैशन डिजाइनिंग में भी थी। जय हिंद कॉलेज से स्नातक करने के बाद इन्होंने साल 1975 में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट स्पेन में इंडिया की तरफ से भाग लिया था। इस कॉन्टेस्ट में इनको मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का अवार्ड मिला था। कॉन्टेस्ट में इनको अभिनेता देवानंद ने देखा और इनको अपनी फिल्म देश परदेश में अभिनय करने के लिए कहा। फिल्मों में इनकी कोई खास रुचि नहीं थी लेकिन देवानंद जैसे बड़े अभिनेता के आग्रह को ये अस्वीकार नहीं कर सकती थी। इन्होंने देश परदेश में अभिनय किया और ये इनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद इन्होंने बातों बातों में लूटमार मनपसंद रोकी सौतन और कर्ज जैसी 35 के करीब हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। फिल्मों में काम करने के दौरान इनका नाम अभिनेता देवानंद संजय दत्त और राजेश खन्ना के साथ जुड़ा। साल 1986 में एक शादी समारोह में इनकी मुलाकात अनिल अंबानी से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और शादी करना चाहते थे लेकिन अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि एक बोल्ड अभिनेत्री उनके घर की बहू बने। टीना अनिल अंबानी और फिल्मों से नाता तोड़कर साल 1987 में फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए अमेरिका के लॉस एंजिल्स चली गई थी। साल 1989 में लॉस एंजिल्स में एक बड़ा भूकंप आया। उसके बाद अनिल अंबानी ने फ़ोन पर टीना से उसके हालचाल पूछे थे। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया और दोनों ने हर हाल में शादी करने का फैसला किया। अनिल अंबानी की जिद के आगे अंबानी परिवार को झुकना पड़ा और साल 1991 में दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद टीना ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। टीना को आज एक आदर्श बहू के रूप में जाना जाता है। साल 2008 में इनके जन्मदिन के मौके पर इनके पति अनिल अंबानी ने इनके लिए एक लग्जरी यॉट खरीदी थी जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए थी। बारहवां गाना सुनते हैं साल 1978 की फिल्म देश परदेश से। इसे लिखा था अमित खन्ना ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने, गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। जल्दी करे ना।